सॉन्ग आप सुन रहे थे वो था परम आदरणीय लोक गायिका माली अवस्थी जी की आवाज में, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसपे परफॉर्मेंस दिया लखनऊ की मशहूर कलाकारा प्रियंका जी ने। आपने देखा हो कथक भरतनाट्यम में आपको ज्यादातर महिलाएं ही मिलेंगी, ऐसा नहीं पुरुष नहीं मिलते हैं पर महिलाएं ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि पुरुषों को ज्यादातर एक ही डांस आता है शिव का तांडव। वो जब मूड हुआ तो चलिए कुछ बातें मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। हमारी टीम के एक सहयोगी हैं आसिफ भाई, बहुत ही खास सहयोगी हैं हमारी टीम सर, कोई टीम सर लगे हुए हैं और चूंकि ऐसा बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं और कोई टीम के लोग हैं, तो मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि आसिफ भाई हैं लखनऊ के हैं, मेरे दोस्त हैं और टीम मैनेजमेंट में भी हैं वो। उनकी खुश नसीबी कहूं या उनका दुख कहूं कि इनकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स इनकी ज्यादा है। अभी दो दिन पहले की बात है, इस इवेंट के सिलसिले में मैं उनके घर गया तो देखा आसिफ भाई बाथरूम में नहा रहे थे। मैंने कहा आसिफ भाई क्या बात है, हमें मालूम पड़ा था आप दो दिन पहले हमारी होने वाली भाभी के साथ डेट पे गए थे, घूमने फिरने गए थे, खाने पीने गए थे, क्या बात है। तो आसिफ भाई कुछ बोले नहीं, शैंपू की शीशी उठाई और वापस भी बाथरूम में चले गए। आधे घंटे बाद फिर से निकल के आए बालों में ऐसे ऐसे करते हुए। हमने कहा आसिफ भाई क्या हुआ बताइए ना, कहाँ घूमे, क्या खाया, अम्बेडकर पार्क ले गए या रेजिडेंसी ले गए, कहाँ ले गए बताइए। आसिफ भाई फिर भी कुछ नहीं बोले, दूसरा शैंपू उठाया फिर बाथरूम चले गए, फिर आधे घंटे बाद आए शैंपू की शीशी खत्म। हमने कहा आसिफ भाई बता दो, मैं एक घंटे से आपका वेट कर रहे हैं, साथ चाय पी चुके हैं, बताइए क्या तकलीफ है, भाभी सर कहाँ घूमे, कब चलना है इलाहाबाद, कुछ बताइए। तो आसिफ भाई ने अपना जो दर्द है, अपना दर्द लखनऊ के हैं शेरो शायरी में बताया, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, अच्छा लगे जरूर तालियां बजाइएगा। कि मोहब्बत की राह में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, वाहवा करते रहिए, कुछ कम लोग हैं लेकिन वाहवा कर सकते हैं भाई। वाहवा से मुझे एक वाक्य याद आया, हमारे लखनऊ के एक शायर की शादी हुई, अब शादी हुई नहीं, शहरों में भी शादी होती है ऐसी कोई बात नहीं है कि शहरों में शादी ना होती होगी, कुछ लोग बड़ा क्वेश्चन मार्क तरीके देखने लगे। तो हमारे लखनऊ के एक शहर की शादी हुई, अब शादी हुई तो सुहागरात भी होनी थी, सुहागरात की रात